हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है द टेरेस किचन में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी प्रीमिक्स की रेसिपी। आप घर पर इसे बनाकर रख सकते हैं और नाश्ते में, टिफिन के लिए जब आपको चाहिए तब फटाफट इडली बना सकते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। प्रीमिक्स बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेरी ये स्टर्डी स्टेनलेस स्टील ट्राईप्लाई की कढ़ाई फ्रॉम अगारो। तो इस कढ़ाई में हमें डालना है थोड़ा सा तेल, लगभग 2 टेबल स्पून। तेल गर्म हो जाने पर डालें 2 से 3 टीस्पून राई और राई को अच्छे से चटकने दें। ध्यान रहे ये उड़ती है, एक ढक्कन आप ऊपर पकड़ सकते हैं। फिर डालें 2 चुटकी हींग। तो राई उड़ रही है तो ढक्कन से अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर डालें 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हम प्रीमिक्स बना रहे हैं जिसे हमें स्टोर करना है, इसलिए हरी मिर्च आप बारीक काट के डालें ताकि फ्राई होते होते उसका पूरा मॉइस्चर निकल जाए। फिर डालें 1/2 कप काजू, आप चाहें तो 1/4 भी कर सकते हैं ऐसे, 1/4 कप, और 2 टेबलस्पून कड़ी पत्ता। मैंने 1/2 कप काजू डाले क्योंकि हर बाइट में काजू अगर आए तो बहुत ही अच्छी लगती है ये इडली। तो आप काजू को हल्का सा गोल्डन होने तक ही फ्राई करें और उसके बाद तुरंत डाल दें सूजी। सूजी या रवा, बारीक वाला है ये, तो जो मोटी वाली आती है सूजी वो आप यूज़ ना करें। अब धीमी से मीडियम आँच पर आप इसे हल्का सा रोस्ट करें। 3 से 4 मिनट इसे भूने लगातार चलाते रहे। ये कढ़ाई काफ़ी अच्छी मोटी है इसलिए इसमें सूजी जलती नहीं है जल्दी। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वर्मिसली यानी सेवई। तो ये है दसानो ब्रांड की सेवई, ये रोस्टेड वाली नहीं है और हाँ ये भी सूजी से बनी है। अब दोनों चीज़ें सूजी की है लेकिन एक बहुत अच्छा टेक्सचर का डिफरेंस आ जाता है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। इसमें जो रोस्टेड वर्मिसली आती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर डालें टेस्ट के हिसाब से नमक और इसे चलाएं आप थोड़ी और देर, लगभग 3 से 4 मिनट तक। तो मैंने अलग से पहले वर्मिसली रोस्ट नहीं की है, मुझे ज़रा वाइट ही चाहिए थी, पर आप सेपरेटली अगर आपको ज़्यादा ब्राउन चाहिए तो अलग से रोस्ट करें या फिर रोस्टेड वाली ही खरीदें। अब इसे ट्रांसफ़र मैं कर रही हूँ प्लेट में ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के लिए इसे किसी प्लेट या परात में ही ट्रांसफ़र करें, कढ़ाई में ना रहने दें। अच्छे से फैला लें और पूरी तरह से इस प्रीमिक्स को आप ठंडा होने दें। ये प्रीमिक्स ठंडा हो गया है, अब इसे मैं भरने वाली हूँ एक डब्बे में। अब डब्बा कोई भी हो सकता है, एक एयरटाइट डब्बा आप यूज़ करें ताकि जो बाहर का मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, उससे ही प्रीमिक्स ख़राब ना हो। इसे अगर आप बाहर रख रहे हैं तो 15 से 20 दिन तक स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज में अगर रख रहे हैं तो आराम से 3-4 महीने ये चल जाएगा। बस इस बात का ध्यान रहे कि अच्छा पैक वाला आपका एयरटाइट कंटेनर होना चाहिए जिसमें आप इसे स्टोर कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है। एक बोल में ले 1/2 कप दही, ये प्लेन दही है, घर पर बना हुआ रेडीमेड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 कप दही को आप थोड़ा सा फेंट लें। अब 1/2 कप के हिसाब से मैं ले रही हूँ 1 कप प्रीमिक्स। तो आप अगर 1 कप से ज़्यादा बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से दही को भी बढ़ाएं। दही और प्रीमिक्स को मिक्स कर लें एकदम हल्के हाथ से ताकि वर्मिसली टूटे ना, और साथ में पानी डालें। पानी एकदम से आप ज़्यादा ना डालें कि कहीं गलती से ज़्यादा ना हो जाए, थोड़ा डालें, मिक्स करें। तो ये देखिए जो बैटर है, अभी फ़िलहाल आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा पतला हो गया है, लेकिन ये थोड़ी देर हम इसे रखेंगे रेस्ट करने के लिए, ये फिर गाढ़ा हो जाएगा। तो इसे रख देते हैं हम 10 मिनट के लिए। जब तक ये रेस्ट कर रहा है इस बीच आप अपना इडली का स्टीमर रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इडली की प्लेट पर थोड़ा सा तेल लगा लें ताकि जो इडली है वो चिपके ना, और जो भी आपका स्टीमर है उसमें पानी डालें और इसे गर्म करने रख दें। लगभग 10 से 12 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये जो बैटर है ये गाढ़ा हो गया है, पर इसमें डालें थोड़ा सा और पानी। बहुत गाढ़ा ये बैटर नहीं है, जस्ट राइट है ताकि जो इडली है नरम बने। अब स्टीम पर डालने से पहले इसमें डालें 1/8 टीस्पून इनो या फिर सोडा। तो 1/8 यानी जो 1/4 टीस्पून का चम्मच आता है उसका मैंने 1/2 लिया है, तो इतना ही काफ़ी है। हल्का सा मिक्स करें, ये बबल होने लगेगा और आपका स्टीमर भी तब तक रेडी हो जाएगा। उसमें रखें इडली वाली प्लेट और डालें मिक्सचर। तो गाढ़ापन आप देख सकते हैं बैटर का, बहुत पतला नहीं है पर बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, नॉर्मली जैसे इडली का बैटर होता है। तेज आंच पर लगभग 12 मिनट आप इडली को स्टीम करें, तो मीडियम या फिर मीडियम से हाई फ्लेम। उसके बाद आप गैस बंद करके इसे ज़रा 2 से 3 मिनट रहने दें और फिर ढक्कन हटाएं। बस ये इडली तैयार है। इसे आप डीमोल्ड करने के लिए जो चम्मच है उसे पानी में डुबोकर साइड से ऐसे इडली को लूज़ करें। ऐसा करने से इडली काफ़ी आसानी से निकल आती है। तो काफ़ी अच्छी जालीदार इडली बनी है, हल्की फुल्की। दही जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उससे एक बहुत अच्छा टेस्ट ऐड हो जाता है और टेक्सचर भी जो है इडली का वो काफ़ी अच्छा नरम बनता है। इस इडली को आप ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है, वरना जो इडली के साथ चटनियाँ परोसी जाती हैं वो भी आप इसके साथ बना सकते हैं।
देखिए काफ़ी अच्छी हल्की फुल्की लाइट ये इडली बनी है और काजू का जो बाइट आता है बीच में उससे तो बहुत मज़ा आ जाता है। तो आप भी अपने मील प्रेप में ये तैयारी करके रख सकते हैं ताकि जब भी आपको इडली बनानी हो तो फटाफट आपके लिए प्रीमिक्स तैयार हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।